हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिफ्ट टाउन। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसी ने कमेंट्स किया था कि ऑल इन वन की मैंने रील डाली थी, तो उसमें ऑल इन वन बुक को मैंने दिखाया था कि छोटे बच्चों की और क्या हम सब की पहली पुस्तक होती है। इस पर बहुत अच्छा टाइटल लिखा हुआ है कि मेरी पहली पुस्तक, तो ये सब भी लोग स्टार्टिंग में ये पढ़ते हैं, तो इसको पूरा दिखाने के बारे में पूछा था। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे आइटम जो कि छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स जल्दी लेना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आइटम स्टेशनरी में और गिफ्ट में होते हैं, तो उन्हीं सारे आइटम का मैंने यहाँ कलेक्शन किया है। तो देख लीजिए, काउंटर काफ़ी कलरफुल है, क्योंकि ये जो छोटे बच्चों का आइटम होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है। तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं वो आइटम, वो गिफ्ट आइटम जो कि आप अपनी स्टेशनरी शॉप और गिफ्ट शॉप पर रख सकते हैं 3 साल से छोटे बच्चों के लिए और या 5 साल तक के बच्चों के लिए। वो आइटम बहुत ही जल्दी उनके पेरेंट्स खरीदते हैं, तो अगर ऐसे आइटम आप रखेंगे डिस्प्ले पर तो बहुत जल्दी आपकी सेल भी इम्प्रूव होगी और आपके यहाँ आइटम भी वो बिक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए एक तरफ से देख लेते हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहले इस समय ये काफ़ी अच्छा आइटम चल रहा है, ये सॉफ्ट मैट होती है और अल्फ़ाबेट भी होता है इस पर और नंबर भी रहता है। ये देखिए, तो ये गिफ्ट का भी आइटम होता है और छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स भी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी क्वालिटी बता दूं कि ये बहुत ही कलरफुल है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई आइटम लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हमें उसका जो कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि जो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है, बाद में टच करते हैं, फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आँखों से देखते हैं। तो कलर जो होते हैं किसी भी चीज़ की, कलर और पैकेजिंग जो होती है वो उसकी क्वालिटी को बहुत बढ़ा देती है। तो ये जो इसका सबसे ज़्यादा बिकने का और लोगों द्वारा पसंद किए जाने का कारण यही है कि ये बहुत ही कलरफुल मैट आती है। ये देखिए, ये भी देखिए बहुत ही कलरफुल है, और ये इसमें थोड़ा सा ऐसे लंबे में आता है। ये सब गिफ्ट पैक है, तो देखिए ये भी कितना कलरफुल है। और दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है कि बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, बच्चों को बिल्कुल भी इससे चोट नहीं लगेगी। और इसको पज़ल की तरह आप सेट कर दीजिए तो बच्चे इस पर खेल भी सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी भी आती हैं, ऑनलाइन मैंने देखा है काफ़ी कार्टून वगैरह की बनी आती है, तो बच्चे खेलते भी है बैठ के। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, इस समय बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये चीज़ें छोटे बच्चों के लिए, 3 साल से नीचे के बच्चों के लिए पसंद की जाती है। फिर इस तरह की क्ले भी आजकल पेरेंट्स, मैंने नोटिस किया है, अपने बच्चों को देते हैं इस तरह की क्ले की, कुछ भी वो बनाए, नई नई चीज़ें बनाए। और ये देखिए, ये इधर भी इस तरह के क्ले की बॉक्स आते हैं डोम्स में। ये देखिए, को मैं दिखाऊं, ये देखिए डोम्स में क्ले के ऐसे छोटी छोटी सी ये डिब्बियाँ सी होती हैं। और ये तो ये आपका 6 ये 12 का पैकेट है डोम्स का, और इसमें हर कलर की, जो भी कलर आपको दिख रहा है, येलो, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, तो ये उस कलर का थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे क्ले होता है, तो बच्चे उसको बनाते हैं। तो उनसे बच्चे की क्या होती है कि क्रिएटिविटी निकलती है, मतलब उनका नेचर क्या है, उनको किस टाइप की चीज़ें पसंद है, तो बच्चे उसी टाइप की चीज़ें इससे बनाते हैं। और इस तरह का भी क्ले आता है, ये देखिए ऐसे भी क्ले का सेट आता है, इसमें शेप के लिए भी होता है। तो इस तरह के क्ले भी बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को देना, और इस तरीके भी आते हैं। ये अलग अलग तरीका आता है, तो इसको भी मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स यही करके कह के ले जाते हैं कि इससे बच्चे कुछ बनाते हैं, कुछ सीखते हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर अगला आइटम आता है इस तरह के पज़ल, ये आप लोगों ने भी खेले होंगे और ये हमेशा ही गिफ्ट में दिए जाने वाला आइटम होता है। और ये इसको जो पसंद करना लोग ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो उसका भी मेन कारण पहला तो रीज़न है कि कलरफुल होता है, ठीक है, कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं तो छोटे बच्चे कलर बहुत पसंद करते हैं इसलिए। और दूसरा क्या है ना, इसमें बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ वो बना रहे हैं, मतलब उनका सेल्फ क्रिएशन है, ऐसा नहीं कि किसी ने बना के दे दिया बस उनको देखना है, ऐसा नहीं है, बच्चों को खुद कुछ करने का मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कुछ चीज़ उन्होंने खुद की है। तो इसलिए ये भी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाने वाला गिफ्ट है। और ख़ुद भी ज़रूरी नहीं कि बर्थडे में ही गिफ्ट किया जाए, ये खुद भी पेरेंट्स इसको लेते हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कलर सिखाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को आप जितना टाइम देंगे, जितना प्लेइंग टाइम बच्चों को आपको देंगे, उतना बच्चे आपसे कनेक्ट भी होंगे और उनका अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। और इस तरीके भी गेम होते हैं, इस तरीके भी गेम्स हमारे यहाँ लेते हैं पेरेंट्स, क्योंकि इससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन जो होता है वो बिल्ड होता है। ये देखिए इससे बच्चे डालते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि इस समय मोबाइल का ज़्यादा है तो बच्चे मोबाइल देखते हैं, तो उसमें बहुत ही बेटर ऑप्शन ये होता है कि बच्चे को लग रहा है कि हाँ हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और उसको ज़रा सा भी नुकसान नहीं हो रहा है और उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो पावर इससे बढ़ती है। तो इस तरह के गेम भी आपकी शॉप पर बहुत जल्दी उठेंगे। और इन सब चीज़ों को जब कस्टमर आपसे पूछे या डिस्कस करे तो आप ज़रूर इसके बेनिफिट बताइए। कस्टमर क्या होता है कि चीज़ों के बेनिफिट को नहीं जानते कि अगर वो इस चीज़ को लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, सब लोगों को नहीं पता होता है। तो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि हाँ इसका ये फ़ायदा हो सकता है, बच्चे को इस तरह से ये इम्प्रूवमेंट बच्चे की फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर करेगा तो ज़रूर चीज़ें लेते हैं पेरेंट्स, ठीक है। और आप देख लेते हैं ये 3+ में आता है, मैग्नेटिक जो नंबर और लेटर का होता है, ये 3+ कहने को होता है लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस होते हैं तो 2+ के बाद इनसे वो खेलने लगते हैं। और फिर वही बात होती है कि इससे वो कलर भी सीखते हैं कि अलग अलग कलर के होते हैं, मिक्स कलर के होते हैं तो कलर भी वो बहुत अच्छे सीखते हैं और अल्फ़ाबेट तो सीखते ही रहते हैं। और फिर 3 साल भी तो उनका एडमिशन होना होता है तो ये घर पे ही उनका थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है। तो आप देख लेते हैं अपनी ऑल इन वन बुक के बारे में, तो इस पर सारी चीज़ें होती हैं जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ABCD है और फिर ये छोटा बड़ा हो गया, राइटिंग कर्सिव राइटिंग वगैरह हो गई, और ये 12 खड़ी और ये कुछ हिंदी और इंग्लिश की पोएम वगैरह, और पीछे पार्ट ऑफ बॉडी हैं और भी कई पेजेस हैं। तो ये भी मेरे यहाँ मतलब ले लेते हैं लोग, हर दुकान पे ही लेते हैं क्योंकि ये भी हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चों को इससे इस किताब से थोड़ा बहुत पढ़ाए। और ये भी किताब अच्छी है क्योंकि ये थोड़ा सा प्लास्टिक पे होती है तो बच्चे जल्दी फाड़ भी नहीं सकते इसको, वैसे तो बच्चे बहुत जल्दी कागज़ वगैरह को जल्दी फाड़ते हैं लेकिन ये थोड़ा सा प्लास्टिक पे देखिए वो रहती है तो जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, तो ये आराम से ले लेते हैं। 2+ अगर बच्चा है तो पेरेंट्स इसको ले लेते हैं। ये देख लेते हैं ये क्या गेम है, ये क्या गेम है कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। वैसे तो ये 0 कट्टम वाला गेम होता था, हम लोग जो क्लास में सभी ने खेला होगा इस गेम को, अब थोड़ा सा उसको ये 3D लुक दे दिया है तो ये भी आजकल अच्छा गेम है। और जब हम पेरेंट्स को बताते हैं कि ये बच्चे के साथ वो अपने टाइम को अगर इस ऐसे गेमों के साथ खेलेंगे तो बच्चे उनसे कनेक्ट भी होंगे और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह भी कम देखेंगे, तो ये गेम पेरेंट्स जल्दी ख़रीद लेते हैं क्योंकि अच्छा है, बच्चे के साथ वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं इस तरह की गेम से। देख लेते हैं ये एक डिवाइस है, इसे कार्ड रीडर कहते हैं, इसमें ये डिवाइस होती है और काफ़ी सारे कार्ड होते हैं तो और साउंड भी होता है। इस डिवाइस को आप जब चार्ज कर लेंगे तो इसमें काफ़ी साउंड भी होता है, जब कार्ड डाला जाता है तो वो साउंड भी करता है। और ये मैजिक वाटर बुक तो मैंने आपको कई वीडियो पे और रील्स में भी दिखाया है, तो ये भी इस समय हमारे यहाँ हाई सेलिंग
पे है ये वाली चीज़ जो बहुत ही कलरफुल है। और आपको मैंने काफ़ी इसके फ़ायदे बताए हैं पिछले वीडियो में कि जिन पेरेंट्स के छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़े भैया या दीदी को डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाई में, तो ऐसे पेरेंट्स ये वाली बुक उन छोटे बच्चों के लिए ज़रूर ले जाते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं, तो इस तरह की बुक ज़रूर लेते हैं। इससे बच्चे खेलते रहते हैं तो काफ़ी पसंद करते हैं पेरेंट्स इसे लेना। अब दिखा देते हैं आपको, ये एक गेम है और ये 2-in-1 गेम है कि इसके साथ डोरी होती है तो बच्चे इसको थोड़ा सा खेल भी सकते हैं। और इसके साथ इस तरह की 2 स्टिक आती हैं और ये देखिए मेटल का होता है तो ये टूटने का भी इसको मतलब चांस कम होता है। वैसे तो बच्चे सारे खिलौने तोड़ देते हैं लेकिन ये खिलौना थोड़ा देर से टूटता है क्योंकि मेटल का है। और इसमें बच्चों को क्या होता है बेनिफिट कि बच्चों को थोड़ा सा हाथ के मूवमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, जब वो साउंड निकालते हैं तो एक बार गलत पड़ेगा, दो बार गलत पड़ेगा, उनका हैंड का और माइंड का थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनता है। तो ये गेम भी इसीलिए पेरेंट्स लेना पसंद करते हैं अपने बच्चों के लिए। और फिर लास्ट में ये देख लेते हैं, ये रिंग वाला गेम जो है ये भी बहुत अच्छा होता है और इसको भी एज अ टीथर भी बच्चे खेल लेते हैं। काफ़ी कलरफुल भी आता है और शेप भी होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें बच्चे समझते हैं कि कौन सी रिंग हमें किसके बाद डालनी है, तो एक थोड़ा सा शेप को लेकर के उनके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ ये रिंग बड़ी है, फिर उससे ये छोटी और सबसे छोटी ये रिंग है। तो इस तरह थोड़ा कलर और शेप का कॉम्बिनेशन बच्चों के माइंड में बनता है। तो ये सारी कलरफुल और बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी। तो इस तरह की अगर चीज़ें आप रखते हैं अपनी शॉप पर तो पेरेंट्स अगर अदर भी सामान लेने आए हैं आपकी शॉप पर और ये आइटम क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं और आजकल के पेरेंट्स भी काफ़ी थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा उनके डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा जागरूक होते हैं, तो इस तरह के आइटम वो ले लेते हैं और अपने बच्चों को देते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा सा जो मोबाइल और टीवी का टाइम होता है वो कम होता है और थोड़ा सा फिज़िकल गेम बच्चे इससे खेलते हैं, थोड़ा सा उनका माइंड भी शार्प होता है। तो इस तरह की आइटम अगर नहीं भी सोच के पेरेंट्स आए हैं, आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं अगर वो नहीं भी सोच के आए हैं तो देख करके ले लेंगे, तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के जो कलरफुल और थोड़ा सा माइंड डेवलपमेंट के जो होते हैं टॉय वो ज़रूर अपनी शॉप पर रखेगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा और भी जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने गिफ्ट टाउन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं शिखा अपने अगले वीडियो पे आप लोगों से मिलूँगी कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।